पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन धारण लीला करके ब्रजवासियों की रक्षा की है। कल कथा का विराम करके जब यहां से निवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो गाड़ी में आदरणीय बहना निर्मला जी ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, कल जब आप कथा का वर्णन कर रहे थे कि राजधरण लीला का, तो दो तीन बार आपने कहा एक हाथ से गिरिराज धारण किया, एक हाथ से गिरिराज धारण किया। और कहते हैं यहां पर तो सब लोग, या तो अभी तक जो श्रवण करते आए हैं, इंदु जी सही है, क्या था आपके मन में बताइए, जरा ऊपर देखो, बताइए बताइए जरा, एक देखो, आप सब लोग कह रहे हैं एक अंगुली पे, और वो भी चुटकी अंगुली पे धारण किया। तो बहना निर्मला ने प्रश्न पूछा कि सही क्या है गुरु जी। प्रिय स्वजनों, बड़ी नम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल इस भागवत कथा में नहीं, चाहे मैं किसी भी ग्रंथ की कथा कह रहा हूं, राम कथा कहूं, शिव कथा कहूं, देवी भागवत की कथा कहूं, गणेश पुराण की कथा कहूं, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, किसी भी विषय पर प्रवचन करूं, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े दायित्व के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं व्यासपीठ से जो भी कहता हूं वो बोलता हूं, और शास्त्र के प्रमाण के साथ बोलता हूं। मैं बहुत नम्र भाव से आपसे कहना चाहता हूं, जो भी अभी तक आपने सुना होगा कि एक उंगली पर या चुटकी उंगली पर, श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, और दो प्रमाण दूंगा मैं, व्हाटएवर आई विल से वीणा जी, आई विल से इट विथ अ प्रूफ, और शास्त्र के प्रमाण के साथ। आपके घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ यदि रखा हो तो खोलकर पढ़ लेना। गिरिराज धरण लीला जहां हो रही है, दशम स्कंद के 25वें अध्याय में वर्षा जब हो रही है, तो ब्रजवासी सब इकट्ठे होकर के कृष्ण के पास आए, प्रभु हे कन्हैया, ये मुसीबत से हमें कौन बचाएगा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। गोपाये स्वात्मयोगेन, गोपाये, गोपाय का अर्थ है रक्षण करना, गोपन करना, गोपन का एक अर्थ है छुपाना, दूसरा अर्थ है रक्षण करना। स्वात्म योगेन, अपने योग बल से मैं आपकी रक्षा करूंगा, सोयम में व्रत आहितः, ये मेरा व्रत है, श्री कृष्ण ने कहा। और फिर श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास ने लिखा, परमहंस शुकदेव जी ने कहा, श्लोक नंबर के साथ आपको कहूं, दशम स्कंद के 25वें अध्याय का 19वां श्लोक, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। संस्कृत व्याकरण यदि कोई समझता होगा पूछ लीजिएगा, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, इति उक्त्वा एकेन हस्तेन,
एक हाथ से वहां उंगली नहीं है। एक हाथ से गिरिराज को धारण किया। ये देखिए गिरिराज धारण का स्वरूप, मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, ये श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है उसमें देखिए हाथ ऐसा है, यूं नहीं है, ऐसा हाथ। इति एके न हस्ते, ऐसे चित्र भी यदि देखो भागवत के प्रमाण से वो शुद्ध नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रमाण दशम स्कंद के 26वें अध्याय में गोपजन जब नंद बाबा के पास जाते हैं, ये भी बात मैंने कल कथा में की थी, नामकरण जब हुआ उस समय मैंने ये संदर्भ दिया था कि गर्गाचार्य ने जो श्लोक कहे हैं गर्ग गीत, वही सब श्लोक 26वें अध्याय में रिपीट होते हैं। कब? कि ये जो गिरिराज धरण लीला हुई उसके बाद सारे व्रजवासी इकट्ठे होकर के नंद बाबा के पास पहुंचे। क्व सप्तहायनो बाल क्व महाद्रिविदारणम ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। उस समय व्रजवासी कहते हैं, प्रमाण दशम स्कंद के 26वें अध्याय का 3रा श्लोक, यह सप्तहायनो बाल करेणैकेन लीलया, ये 7 वर्ष का बालक करेणैकेन लीलया, एकेन करेण लीलया कथम बिभ्रत गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। जैसे हाथी को ये कमल को उठा ले, इतनी सरलता से इस बालक ने एक हाथ से करेणैकेन लीलया, खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को धारण कर लिया। शंका का समाधान हो गया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है एकेन हस्तेन एकेन करेण। अब ये जो एक उंगली वाले, उसमें भी चुटकी वाली उंगली वाले, और कुछ लोग तो और अतिशयोक्ति अलंकार करके उंगली के नाखून पे गिरिराज धारण कर लिया, उनकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करें, वो उनकी कल्पनाएं हैं। अतिशयोक्ति अलंकार साहित्य में होता है प्रयोग, की बात को जरा बढ़ा चढ़ा के कहना, तो ये लोग अपनी श्रद्धा उस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। हम किसी की निंदा क्यों करें? वे लोग अपनी श्रद्धा थोड़ी बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र का प्रमाण यदि देखें तो एकेन हस्तेन, इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा।